गुड मॉर्निंग बच्चों. बेटा ये हमारी आज की वर्कशीट है और जो हमारी वर्कशीट की डेट है वो 24 है और ये हमारी एक्टिविटी शीट है और जो वर्कशीट है वो हमारी 7th वर्कशीट है और ये जो वर्कशीट है वो 6th से लेके 8th क्लास के सभी बच्चों के लिए है. यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं. आज की जो हमारी कहानी है उसमें हम पढ़ेंगे शेर और चूहे के बारे में. शेर और चूहे की कहानी है तो आप अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल लीजिए और साथ साथ अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए. चलिए पढ़ते हैं आज की स्टोरी. एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था. ये एक शेर है और ये कहाँ पर सो रहा है? एक पेड़ के नीचे सो रहा है. अचानक एक चूहा छेद से बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया. ये यहाँ पर ये छेद दिखाई दे रहा है. जो चूहा है वो छेद से बाहर आया और शेर के शरीर के ऊपर कूदने लगा. शेर ने उसे पकड़ लिया क्योंकि शेर सो रहा था, उसकी नींद खराब हो गई. लेकिन कुछ सोच के बाद उसने उसे मुक्त कर दिया. किसने? शेर ने कुछ सोचने के बाद, थोड़ा सा सोचने के बाद शेर चूहे को छोड़ दिया. चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया. अब चूहे ने किसका धन्यवाद किया? शेर का धन्यवाद किया. कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा. जब शेर ने चूहे को खाने से छोड़ दिया तो चूहे ने उसका थैंक यू बोला कि कभी वो उसकी हेल्प करेगा जब उसको उसकी ज़रूरत होगी. एक दिन शेर जाल में फंस गया. अब जंगल में शिकारी गई और उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए जाल डाल दिया उसके ऊपर. अब जो शेर था वो जाल में फंस गया. चूहा वहाँ आ गया और क्योंकि चूहा भी वहीं रहता है, चूहा वहाँ आ गया और उसने जाल को क्या किया? काट दिया. शेर ने चूहे को शुक्रिया कहा. अब पहले क्या हुआ था, जब शेर ने चूहे को खाने से छोड़ दिया था तो चूहे ने थैंक यू बोला था. लेकिन आज कौन थैंक यू बोल रहा है? शेर थैंक यू बोल रहा है. क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो जाल में फंसा था और चूहे ने उसको जाल को काट के उसको आज़ाद किया था. तो बेटा ये थी हमारी आज की स्टोरी और अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया? अब हमारे से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया था. शेर को चूहे पर दया आ गई थी क्योंकि जो चूहा है वो बिल्कुल छोटा सा है. ये तो है नहीं कि उसको खा के शेर की भूख बुझ जाएगी. चूहा तो बिल्कुल छोटा सा है तो इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया. उसके ऊपर दया आ गई थी, वो कितना छोटा सा प्राणी है. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, शेर ने चूहे को शुक्रिया क्यों किया? शेर ने चूहे का शुक्रिया क्यों किया? क्योंकि चूहे ने शेर का जाल काटा था. तो ये था हमारा 2nd का आंसर. अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 करना है. अपनी कल्पना से शेर और चूहे का चित्र बनाओ. जैसे भी आपको ड्राइंग आती है अपनी नोटबुक में, यहाँ पर इस वर्कशीट में देख के आप शेर का और चूहे का कोई भी चित्र बना सकते हो जो आप आसानी से बना सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, शेर की और चूहे की ड्राइंग बनानी है अपनी नोटबुक में. तो ये थी बेटा हमारी आज की वर्कशीट. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप या तो कमेंट करके पूछ लीजिए या फिर जब हमारी ऑनलाइन क्लास होती है तब आप मेरे से पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे. और साथ में आपको क्या करना है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है. थैंक यू.